हेलो दोस्तों, आज हम अतीत में दबे पांव इस पाठ का प्रतिपाद्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी के बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि यह पाठ यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिलाजुला रूप है। यह पाठ विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृत भांड होते हैं मिट्टी के मटके, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावनात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना दर्शकों को अभिभूत करती है। वह आज की सेक्टर माका कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसित होने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी, आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों को आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ाते जाना भी लेखक को कचोटता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।